हाय गाइस आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए एस फाइव की ए एस फाइव को दस से बारह मिनट के अंदर अंदर आइए ए एस फाइव का नाम है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब तीन बातें कवर होंगी एक्चुअली चार बातें कवर होती हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी कवर होता है पर वो नाम में नहीं है सबसे पहले हम बात करेंगे पहली बात की नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड एस फाइव कहता है कि जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमेशा आप पी एंड एल में ही रिकॉग्नाइज करोगे अनटिल एंड अनलेस कोई ए एस कुछ और ट्रीटमेंट रिक्वायर ना करे मतलब आपको कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस आ रही है आप उसको हमेशा पी एंड एल में लेके जाओगे पर अगर कोई स्पेसिफिकली कोई ए एस कहता है कि नहीं 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 इसको तो कैपिटलाइज कर दो जैसे ए एस सिक्सटीन कहता है बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करो कुछ कंडीशन पर तो आप उसको फिर ए एस के हिसाब से करोगे नहीं तो दुनिया भर की सारी चीजें पी एंड एल में आएंगी इनकम और एक्सपेंस के अंदर और दूसरा उसमें कुछ item होते हैं. याद रखेगा ऑर्डनरी आइटम नहीं ऑर्डनरी एक्टिविटी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिविटी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स तो जो ऑर्डनरी एक्टिविटीज के आइटम्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं सेल परचेज इंपॉर्टेंट भी मटेरियल भी होते हैं इमटेरियल भी होते हैं तो क्या हमें सारे के सारे मटेरियल आइटम को दिखाना है अलग से शो करना है अलग से डिस्क्लोज करना है नहीं प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑर्डनरी एक्टिविटीज के हर आइटम को दिखाने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ उन आइटम्स को दिखाओगे जिनका नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है या जिनका साइज बड़ा है अकॉर्डिंग टू देयर साइज और नेचर इफ एंटिटी फील्स दैट उनका डिस्क्लोजर जरूरी है सो दैट हम

ये बहुत जरूरी है एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करके जाइएगा रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक टू एनआरवी जब ए एस टू में आप अपने इन्वेंट्री को एनआरवी पर लेके आते हो तो जो रिडक्शन होता है आप उसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखा सकते हो लिटिगेशन सेटलमेंट में जो भी आपने एक्सपेंस पे ऑफ किया है वो आप एक्सेप्शन आइटम में दिखाते हो डिस्पोजल ऑफ फिक्स को आपने डिस्पोज ऑफ किया उसमें जो आपको लॉस हुआ आप उसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखा सकते हो या आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने सेल किए सेम आपको जो लॉस हुआ आप उसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखा सकते हो रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट जो भी आपने किए हैं किसी ए के अकॉर्डिंग जैसे मान लो ए एस बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने पर आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है तो वो भी आप एक्सेप्शनल कैटेगरी में डाल सकते हो तो ऑर्डनरी एक्टिविटी के हर एक आइटम को सेपरेट डिस्कलोज

इज को रिटायरिंग इंप्लाइज को तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड सेकंड पॉइंट पे आते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायर पीरियड आइटम्स भी आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस के ही आइटम हो सकते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब ऐसे इनकम्स और एक्सपेंस जो है तो पिछले साल के प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब जो है तो इनकम और एक्सपेंस पिछले साल के पर वो पिछले साल किसी एरर या ओमिशन के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे और अब वो करंट ईयर में आ रहे हैं या फिर पिछले साल किसी एरर और ओमिशन के कारण गलत रिकॉर्ड हुए

है. तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। है। में ये दो शब्द बहुत important है, error और omission. या पर इसके अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता। मतलब deliberately आपने पिछले साल ये किया था। अब आपको लग रहा है नहीं मुझे ये नहीं करना मैं चेंज करूं तो आपका डेलीबरेट चेंज है वो हो सकता है आपकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में चला जाए ठीक है तो ये हो गया आपका प्रायर पीरियड आइटम अब आते हैं एज वेल एज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ तो पहले बात करते हैं estimates की. Estimates मतलब किसी पर्टिकुलर डेट पर कुछ सरकमेट कुछ किया था बेस्ड ऑन समय एंड सरकम पर अब वो सिचुएशन और सरकम बदल गए और अब हमारा एस्टिमेशन बदल गया तो ऐसे के बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ठीक है जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज होता है तो उसका इफेक्ट आपके करंट ईयर के प्रॉफिट पर कितना पड़ रहा है वो आपको बताना पड़ता है चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट का नेचर आपको बताना पड़ता है वो किस ट्रांजेक्शन में चेंज हुआ, हुआ है उसका अमाउंट करंट ईयर में और फ्यूचर ईयर में आपके प्रॉफिट को कितना इंपैक्ट करने वाला है वो आपको करंट ईयर में ही डिस्क्लोज करना पड़ता है और अगर हम उसके अमाउंट को डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रहे कि कितने से इफेक्ट होगा तो आप अगर क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो आपको ये फैक्ट बताना पड़ता है कि वी आर अनेबल टू क्वांटिफाई पर डेफिनेटली ये करंट या नेक्स्ट ईयर में ये इम्पैक्ट करेगा एट परसेंट बनाना जरूरी है यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशल एसेट बदल गई रेसिडुअल वैल्यू बदल गई ठीक है ना जब भी आप अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करते हो तो आप उसको प्रायर पीरियड आइटम नहीं कह सकते बिकॉज प्रायर पीरियड आइटम में एरर ओमिशन का होना जरूरी था यहां कोई एरर ओमिशन नहीं हुआ है यहां तो बस सिचुएशन बदल गई वो बदली हुई सिचुएशन के हिसाब से आपको एस्टीमेट चेंज करना पड़ रहा है इवन आप इस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम भी नहीं रख सकते बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम आपका ऑर्डनरी एक्टिविटी से के अलावा होता है जबकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आपका ऑर्डनरी एक्टिविटी के जैसा हो सकता है ऑलवेज गिव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जब भी आपका अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होगा जैसे यूजफुल लाइफ बदल गई जैसे रेसिडुअल वैल्यू बदल गई जब भी अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होगा तो आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है फॉर एग्जांपल आपका आसेट का यूजफुल लाइफ आपने इनिशियली एस्टीमेट किया था टेन इयर्स थ्री इयर्स हो चुके हैं तो रिमेनिंग होने चाहिए सेवन इयर्स पर आप री एस्टिमेट करके फाइव ईयर बोल रहे हो तो आपका जो आज का बुक वैल्यू है पीपीई का उसको रिमेनिंग फाइव ईयर्स में डेप्रिशिएट करोगे बस आप ये नहीं बोलोगे कि पिछले सालों का मैं डेप्रिशियन चेंज करूँ ठीक है तो आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में अगर मैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करूँ तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि आपने कोई पहले कोई पॉलिसी अडॉप्ट करके बैठे थे अब वो पॉलिसी आप

फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ रहा है पर आपको ये डिस्क्लोज करना है और आपको क्वांटिफाई करना है कि आपके प्रॉफिट पर कितने से इफेक्ट पड़ेगा अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो सेम एस्टिमेट की तरह आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो पर इसका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट पर पड़ रहे पड़ रहा है या पड़ेगा एग्जाम्पल चेंज इन द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड चेंज कर दिया फीफो से वेटेड एवरेज कर दिया कॉस्ट और एनआरवी से सिर्फ एनआरवी कर दिया या फिर आप अपने ए एस टेन में पीपीई का कॉस्ट मॉडल लगाते थे अब आप रिवॉल्यूशन मॉडल लगाओगे वो आपने चेंज कर दिया तो इसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो रहा है साथ, के शो करते हो, तो कंपेरेटिव में, तो में, तो में जाके उस रिलेटेड लाइब्रेरी में चेंज करोगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो आप पिछले साल के रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट कर लेते हो इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा इस तरीके से हमने देखा ए एस फाइव के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं आई होप गाइस आपको ये एस बहुत अच्छा लगा होगा अगर हाँ तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक मारिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको ये चार्ट बुक अच्छी लग रही है तो मैं आपको बता दूं पूरी चार्ट बुक फ्री कर दी है मैंने पीडीएफ कंप्लीटली फ्री कर दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्री चार्ट बुक का एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प होगी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एग्जाम्स के बाद आपके पेपर कैसे गए मुझे जरूर बताइएगा और मौका मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो में कमेंट में आके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक्स लॉर्ड गाइज बाय बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट